बूझकर नमाज छोड़े, वो क्या करता है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, बस ऐसे सुस्ती में, ऐसे गफलत में, टाल मटोल में, फकद कफर, गोया उसने कुफर किया। तो ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। जिस मुसलमान के पास ये हदीस पहुंच जाए, वो नमाज कजा करने का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इंसान इंसान है, जानबूझकर ना भी वो ऐसा करे, तो बाज़ औक़ात हालात इस तरह होते हैं कि इंसान ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाता है कि नमाज छूट जाती, बस सो गया, भूल गया, जुनून लाहक हो गया, ऐसी दवाइयां खा ली कि जिससे आप जाग ही नहीं पा रहे। ये सारी सिचुएशन है ना। वो कहते हैं ना, रुफ अल कलम अन थला, तीन लोगों से कलम उठा लिया गया, और उसमें कौन कौन है? सोने वाला है जब तक उठ ना जाए, बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, मजनून जब तक होश में ना आ जाए। अब ऐसे औकात में जबकि जानबूझ के ना आप सो जाए, आपको पता है कि अजान होगी और आप जाके सो जाए, या आपको पता होने वाली है अजान और वक्त कम है और आप गफलत इख्तियार, ये अलग बात है। आपको पता है कि नमाज का वक्त आने वाला और आप बाजार चल पड़े, या घर से निकल पड़े कहीं जाने को, जब आपको पता है 10 मिनट में अजान होने वाली है, तो आप नमाज पढ़ के निकले 10 मिनट आगे के और पीछे के, इल्ला ये कि आपकी ऐसी अपॉइंटमेंट है कि जिसमें आप बिल्कुल बेबस हैं। आप तो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को नमाज का एहसास है, लेकिन बाज लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं कि जहां कुछ चीजें उनके अपने बस में या अख्तियार में नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या हो? अगर शदीद मजबूरी की वजह से कुछ आगे पीछे हो गया मामला, तो ऐसी सूरत में फिर इंसान पहली फुर्सत में नमाज अदा करे। वो नमाज जो वक्त के बाहर होगी वो कजा ही होगी, फौत हो गई। अब फौतशुदा नमाज जो है उसका क्या किया जाए? हजरत अनस रजी अल्लाह अनहु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका। जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए, बस उसका कफारा ये है कि जिस वक्त उसे याद आए या बेदार हो वो, उस नमाज को पढ़ ले। भूलने का इलाज क्या? जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले, चाहे वो असर के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले तक का वक्त हो। मसलन जोहर की नमाज में ऐसा हो गया, अब असर पढ़ के साथ ही, चाहे आप उसको मकरू वक्त कहेंगे लेकिन उसमें भी पढ़ ले। इसी तरह कोई शख्स सोया हुआ था, सो के उठे तो जूं ही उठे उसे पढ़ ले। और इसी तरह कोई और मजबूरी या बीमारी कि जिसकी वजह से वक्त के अंदर वो नहीं पढ़ सका, तो जो ही मौका पाए फौरन पढ़ ले। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़नी भूल जाए और उसका वक्त गुजर जाए, तो जिस वक्त याद आए वो उसी वक्त पूरी नमाज पढ़ ले। और इसी तरह अगर कोई शख्स सो जाए, ये सुबह आंख ही ऐसे वक्त खुले कि सूरज तुलू हो चुका हो, तो जागने वाले को उसी वक्त पूरी नमाज पढ़ लेनी चाहिए और उस पर किसी किस्म का कफारा नहीं है। नमाज छोड़ने का कफारा क्या है? नमाज की अदायगी। कज़ाए उम्री वाले मसले की शरीयत में कोई असल नहीं, लिहाजा ये बिद्दत है। कज़ाए उम्री क्या होती है? कि इंसान जानबूझ के गफलत से नमाजें छोड़ता चला जाए कि अभी तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, अभी मैं तालिब इल्म हूँ, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं जॉब पर हूँ, काम है, और जानबूझ के नमाजें तर्क करता चला जाए कि जब मैं हज कर लूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर और तो कोई काम नहीं, मैं पिछली नमाजें पूरी करता रहूंगा। तो इस उम्मीद पर नमाजें छोड़ते चले जाना या नमाज को अहमियत न देना, और फिर ये समझना कि रमजान के आखिरी जुम्मे में 2 रकत पढ़ने से सारी जिंदगी की नमाजें हो जाती हैं, या ये कि हर नमाज के साथ फिर नमाजें अदा करते रहने से नमाजें अदा हो जाती हैं, तो ये तरीका जो है इसकी सुन्नत से कोई दलील हमें नहीं मिलती। देखिए, जमाने जाहिलियत में जो कजा हो गया, वो तो वक्त निकल गया, नमाज का फर्ज है, वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। अब जो भूल जाए या सोए हुए उठे, तो अगली नमाज से पहले पढ़ लें, यही हुक्म है ना, या कुछ और पढ़ा? इस पूरे चैप्टर का खुलासा मैं आपको बताती हूँ। नंबर एक, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौकूता। नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। हर नमाज का एक वक्त है, जैसे वो एक मुहावरा भी है ना कि पंजाबी में भी कहते हैं, वेले दी नमाज
कवेले दिए टकरा, कवेले दिए तो टकरा ही रह जाने फिर। हाँ, यानी फिर आप सिर्फ सजदे ही कर रहे हैं, नमाज तो अपने वक्त पर है। इस उसूल को अगर आप समझ लें कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ है, वरना जोहर असर मगरिब इशा नाम क्यों रखे हुए हैं, इसलिए ये नाम है। अगर इस वक्त की पाबंदी का कोई मतलब नहीं है तो आप जिस वक्त जो चाहे पढ़ा करें। तो नमाज फरीजा ही ऐसा है कि जिसके साथ वक्त की पाबंदी लाजिम है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इंसान होने के नाते अगर आप बीमार हो जाएं या आप पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आफत टूट पड़े कि इंतहाई मजबूरी में वक्त की पाबंदी ना हो सके, तो फिर क्या हुक्म है दूसरा? जो ही मौका मिले फौरन अदा करें, ताखीर ना करें। नंबर तीन, अदा करने में क्या चीज शर्त है? तरतीब। पहले नंबर वन जो कजा हुई, फिर दो, तीन, चार, पांच, यही है ना, फिर अगली नमाज पढ़े। अब आप वो पिछली कजा करना चाहते हैं तो पहले तो सारा दिन खड़े होके अब तक जो कुछ छोड़ा है वो पढ़े, फिर अगली पढ़ सकते हैं, वरना तो तरतीब नहीं रहेगी आपकी। कि रहेगी तरतीब? अजाए उम्री में तो कोई तरतीब रहती नहीं, ये तीसरे कायदे की खिलाफ वर्जी होगी। चौथी बात यह है कि जो शख्स नमाज जानबूझ के छोड़ दे वो कजा करने वाला नहीं है, वो बहुत बड़ा मुजरिम है, उसके ऊपर तो बहुत सख्त बात है, और उसका इलाज तौबा ही है। तौबा, इस्तग़फार और आइंदा के लिए नमाज की पाबंदी, ताकि कोई शख्स जुरत ना करे नमाज के वक्त में नमाज छोड़ने की, क्योंकि मामूली जुर्म नहीं। जब हम ये कहते हैं अच्छा ये भी पढ़ लो, वो पिछले साल की पढ़ लो, उससे पहले की पढ़ लो, एक तो सुन्नत में कोई सबूत नहीं इसका, कैसे कुछ वाकया हुआ ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर ये ढील दी गई तो नतीजा क्या होगा? आइंदा लोग इसको एक नॉर्म बना लेंगे। नंबर एक तौबा इस्तग़फार, नंबर दो नेकियों की कसरत, नवाफिल की कसरत, कि आपकी कंपनसेशन हो पिछली। अब पिछली फर्ज वक्त के बगैर पढ़ रहे हैं तो वो तो नफल के बराबर हो गई, तो वो उस नियत से पढ़ें या आप वैसे ही नफल पढ़ें तो नवाफिल की कसरत करें, ताकि जो आपने छोड़ा है उसकी कहीं से कंपनसेशन हो। चौथी बात यह कि अगर आपकी जिंदगी नहीं, मसलन अगर आप इस चीज को उसूल बनाते हैं कि लाजमन पिछली सारी ही दोहरा कर उसी नंबर और उसी अदद में करनी है आपको, तो उसका नतीजा या उसका मतलब क्या है कि आपको फिर उतने साल मजीद जीना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप नहीं जी सकते तो क्या करें? उसके लिए फिर एक और मसला निकाला गया, और वो भी मनगढ़ंत मसला, फिर पैसे दें। कोई सुन्नत शरीयत में कहीं भी नमाज का कफारा नमाज के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं, कोई दलील है ही नहीं, तो दलील के बगैर आप कहां से खुद से अपने ख्याल से कायम किए चले जा रहे हैं बातें। अब आप पैसे दें, अगर आपके पास पैसे भी नहीं फिर आप क्या करें? नमाज का कफारा पैसे नहीं है, नमाज का कफारा नमाज है, आपको नमाजें ही पढ़नी है। अब वो तो वक्त ही अंदर थी, वक्त के बगैर फिर आप कसरत से नवाफिल पढ़ें, क्योंकि वो अगर वक्त के बगैर आप पिछली दोहरा भी रहे तो नवाफिल ही हैं, कबीले दिए टकरा ही हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अब करने की जरूरत यह है कि उस नुकसान को मुख्तलिफ तरीके से पूरा करें। ठीक है, ऐसी सच्ची तौबा करें कि जैसे एक काफिर मुसलमान होने पर कुफर से तौबा करता है ना, तो क्या होता है पिछले गुनाहों का क्या होता है? एक काफिर जब मुसलमान होता है तो उसके पिछले गुनाह माफ होते हैं, तो फिर एक मुसलमान ने अगर कुफर का इर्तिकाब किया हुआ हो तो क्या वो तौबा करके मुसलमान नहीं हो सकता दोबारा? क्यों? अइम्मा के फतावा मौजूद हैं कि ऐसा शख्स जो जानबूझ के नमाज छोड़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। तो मामूली बातें नहीं है, लेकिन हमने नमाज को एक मजाक बना लिया। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में फरमाया, आज रात कौन हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा ना हो कि हम फजर की नमाज को ना जागें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा। फिर उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह किया और कुछ देर बाद बिलाल भी गाफिल होकर सो रहे। जब आफ्ताब गर्म हुआ तो जागे और खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी जागे। आपने फरमाया, ऊंट की नुकैल पकड़ कर चलो, क्योंकि ये शैतान की जगह है। क्यों उसको शैतान की जगह कहा? क्योंकि वहां सब गाफिल होके सो गए थे, नमाज के लिए किसी की भी आंख ना खुली। फिर नई जगह पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का हुक्म दिया।
हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने आजान दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकतें पढ़ी, बाकी लोगों ने भी दो सुन्नतें पढ़ी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए उससे जब याद आए तो नमाज पढ़ ले। किसी हदीस से साबित नहीं कि फौत शुदा नमाज को दूसरे दिन उसके वक्त पर पढ़ा जाए। यानी बाज लोग क्या करते हैं कि अगर मगरिब कजा हो गई तो वो इशा से पहले नहीं पढ़ते, वो अगले दिन की मगरिब के साथ जा मिला के पढ़ते हैं। ऐसा कोई हुक्म नहीं है। होना क्या चाहिए कि कजा होने के बाद पहली फुर्सत में नमाज अदा की जाए, उसे कल तक नहीं छोड़ सकते आप। वाजे है ये बात, पहली फुर्सत में।